इनका नाम कांग्रेस है। कांग्रेस की तारीख मालूम है? अगर कांग्रेस की तारीख बताते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर पेट में ऐठन है और दर्द है, डॉक्टर पत्थर बताए तो पत्थर का इलाज करो, डॉक्टर से नाराज मत हो जाओ। तारीख का हिस्सा है कि 1949 में बाबरी मस्जिद में ताला लगा। मेरे भाइयों, आपने तिमंजिला घर बना लिया होगा, चौमंजिला बना लिया होगा, रेशम के आपने कालीन बिछा लिए होंगे, लेकिन खुदा की कसम बोलो, जब उस घर में घुसते हो तो ज्यादा खुशी होती है या सोनसा जामा मस्जिद के मीनारे को देखते हो तो वो ज्यादा खुशी होती है? यकीन यही कहता है कि जब अपने गुम्बद और मिंबर और मेहराब को हम देखते हैं तो अपने घर से ज्यादा उसका हुस्न भी मुझे पसंद है और उसकी बुलंदी और पाकीजगी भी मुझे पसंद है। मेरे भाइयों, यह बताओ, इस बाबरी मस्जिद का रोना पूरी मिल्लत आज रो रही है। वो बाबरी मस्जिद टूटी नहीं थी, हिंदुस्तान का संविधान टूटा था, लेकिन ये तो बताओ, कांग्रेस के हमारे बुजुर्गों से पूछना चाहते हैं कि 1949 में मुल्क की आजादी के 1.5 साल हुए थे, बाबरी मस्जिद में जब ताला लगा था दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? बताओ, जब बाबरी मस्जिद का ताला टूटा था 1986 में दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? ये बताओ, 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी, उसके मिंबरों, मेहराब और गुंबदों को तोड़ा जा रहा था, दिल्ली में बैठकर इबलीस की तरह तमाशा कौन देख रहा था? मेरे भाई, और चलो आगे जरा। अभी गुजरात के खूनियों को तो हम माफ नहीं कर सकते, लेकिन मुरादाबाद के ईदगाह में नमाज की हालत में हमारे सीने में गोली किसने चलाई? किसकी हुकूमत थी यूपी में? ये बताओ, यूपी में बहुत सारे लोग, मीरठ में हमारे लोग काम करते हैं, मीरठ मलियाना में हंगन नदी के किनारे 50 नौजवानों को खड़े करके उसके सीने पे गोली चलाई गई थी पुलिस के जरिए से, किसकी हुकूमत थी लखनऊ में? ये बताओ, मैं ज्यादा गम नहीं सुनाना चाहता। ये बताओ, ये रेशमी शहर भागलपुर में 1989 में हमारे नौजवानों को, 2000 से ज्यादा नौजवानों को जमीन में सुलाकर उनके ऊपर मिट्टी भर के उस पर गोभी की खेती जब की गई थी, बिहार में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। बाबरी मस्जिद टूटी तो कांग्रेस, ताला लगा तो कांग्रेस, मुरादाबाद के ईदगाह में कांग्रेस। फिर भी अगर कोई आदमी हमारा ये कहता है कि हमारा खानदानी कांग्रेस ही थी, तो मेरे भाई, क्या मेंबर और मेहराब की जो हिफाजत न करे, जो हमारे ईदगाहों में गोली चलाए जिसकी हुकूमत, उसके खानदान से रिश्ता किसी शरीफ आदमी का हो सकता है क्या? शरीफ आदमी का हमारे ऊपर चचा भूले हैं, भूले भटके इस तरह की बात बोलते हैं। मैं चचा जान, अब्बा जान, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन मनहूस खानदानों से अपना रिश्ता मत जोड़िए। आपका खानदान शुरू होता है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इब्राहिम की मिल्लत, इन लोगों के खानदान से मत जोड़ो। और मेरे भाई, 2014 में आप की इजाजत के बगैर मैं इलेक्शन में आ गया था। हल्दी खोड़ा में पूरा झगड़ा कर लिया, मेरे ससुर के रिश्ते में होंगे, कहा किमला तुम्हें कमन करे मेरा काम, हमारा तो सबको सोचे लिखानो तुम्हार के खुद देर से, लेकिन तुम्हार एमपी बनाम तुम्हें दोबारा एमएलए लेसन चालू रहा बोला। जब मैं पतंग साहब से लड़ने आया था तो मैंने कहा ठीक है, मैं आया हूँ, आपकी हमदर्दी हमारे साथ होनी चाहिए, जो फैसला होगा आपको हमारा हमको कबूल होगा 2015 में। लेकिन उससे पहले 2014 में आप लोगों को थोड़ी मेरी जात से तकलीफ हुई थी। तकलीफ किस बात से हुई थी कि मैं तीर का निशान लेकर एमपी का इलेक्शन लड़ने आ गया था। मैं सफाई पेश करना चाहता हूं अपने गार्जियनों के संज्ञान में कि 2014 में मैं कैसे इलेक्शन लड़ा था। नीतीश कुमार भाजपा के साथ बैठकर गलत सलत फैसले कर रहा था। 2012 में हिंदुस्तान बिहार में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने के लिए सूरज नमस्कार का फैसला आया था कि नहीं आया था? उसको रोकना क्या था? मैं कहता हूं मेरा हिंदू भाई संघ बजाए, सूरज को नमस्कार करे, मंदिरों में जाए, घंटा बजाए, पूजा करे, एक अच्छा हिंदू एक अच्छा हिंदुस्तानी होगा, उस हिंदू धर्म का आदर करना चाहिए। एक मुसलमान नमाज पढ़े, पढ़े अजान दे, हमारे हिंदू भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यही हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म यह है कि अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के धर्मों का आदर करो, लेकिन दूसरों के धर्मों पर आघात पहुंचाने का काम कराकर बीजेपी के साठगांठ के जरिए से सूरज नमस्कार का प्रोग्राम नहीं था बल्कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का प्रोग्राम था। और असेंबली में अख्तर ईमान ने गवर्नर की तकलीफ रुकवाकर सूरज नमस्कार के फैसलों को वापस करवाया था कि नहीं करवाया था?
हम लोगों का मशवरा हुआ था अब्दुल बारी सिद्दीकी, सम्राट चौधरी और कुछ लोग थे कि अगर बहुत देर तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहा तो बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को पामाल करेगा, इसको इससे अलग करना चाहिए। उसको अलग करने का फैसला हुआ और वो अलग भी हो गया। हम लोग के समर्थन की बात अधूरी रह गई थी। इस दरमियान में 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया और किशनगंज में जो एएमयू का गलत तौर पर शिलान्यास करने के लिए मैडम सोनिया आई थी और उस वक्त नीतीश कुमार ने बुलाकर पब्लिकली मुझे कहा कि अख्तर साहब आपका टिकट रखा हुआ है, मेरी टिकट से आप इलेक्शन लड़िए। वहां जब हेलीकॉप्टर के बाद सुनने वालों ने सुना, सजल भाई हिंदुस्तान के पत्रकार उससे एक बड़ी खबर ली थी और सबका दबाव हुआ कि आप इलेक्शन लड़ो। मैं इलेक्शन लड़ने का फैसला किया क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी से अलग हो चुका था। मेरे भाई, जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए अपना काम शुरू किया तो नतीजा ये हुआ कि मैं हफ्ता दिन का भी कैंपेन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हालात मेरे अच्छे थे। लेकिन इसी दरमियान नीतीश कुमार का फिर साठगांठ बीजेपी के साथ हो गया और 90% वर्कर उनके बीजेपी का काम करने लगे। मैंने नीतीश कुमार को उसको सोचना दी और जब मुझे ये लगा कि नीतीश कुमार का पुरानी मोहब्बत जाग उठी है और बीजेपी के साथ इसका साठगांठ शुरू है, मुझे माफ कीजिए और कहने नहीं दीजिए, हर गाँव में कुछ ना कुछ शैतानी लोग होते हैं। अल्लाह ने इंसान को बनाया है तो इबलीस को भी मोहलत दी है। कभी कभी बस्ती में देखते हैं तलाक हो जाती है, लेकिन तलाक के बाद भी आना जाना लगा रहता है, जिसको हमारे उलमा कहते हैं कि तलाक के बाद आना जाना नाजायज है। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो पकड़ करके खंभे में पिटाई होती है कि नहीं होती है। मामला यही था कि बजाहिर तो नीतीश कुमार की बीजेपी से तलाक हो गई थी, लेकिन टिकट हमको दिया, निकाह किसी के साथ, वफा किसी के साथ, जब छुप छुप कर बीजेपी से मिलने लगा तो मैंने उसके टिकट को एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक देकर उसके टिकट को। मेरे भाई, आपको पता है कि सिर्फ मैं टिकट गांव को लड़ो इलेक्शन तो और बिरादरी को मेम्बर खड़ा गया तो कहती ना लड़ गया तो भैया हार गया, तो जब ठीक हो जिस नहीं जीतो और गिनती होती है तो बीवी का वोट बेटे का वोट तीन वोट से ज्यादा नहीं होता। आप मेरे नई इलेक्शन लड़ने पर कितने वोट आए थे, 57,000 वोट आए थे कि नहीं आए थे? मेरे भाई, मैं सिर्फ इलेक्शन से क्यों हटा था, यह सिर्फ टिकट की कुर्बानी नहीं थी। कि मेरे गार्जियनों, मेरे सरपंचों, आप सुन लीजिए, नीतीश कुमार के यहाँ जो मुआयदा हुआ था, मैंने एमएलएशिप से रिजाइन किया था तो बात यह तय पाई थी कि अगर एमपी में आप किसी वजह से नहीं भी जीतेंगे तो हम एमएलसी बना करके आपको मिनिस्टर बनाएंगे। अख्तरुल ईमान ने 2014 में जब फिरका परस्तों को जीतने की साजिश देखी तो टिकट ही को लात नहीं मारा बल्कि वजारत की कुर्सी को भी लात मारने का काम किया आपके इस बेटे ने लोगों। और उसके बावजूद भी जो कहता है अख्तरुलमान जीत के जाएगा तो किसका साथ देगा? मेरे भाई, जब सूरज नमस्कार के जरिए से अगर कोई मामला खड़ा किया जाए तो अख्तरुलमान, जब आपकी बेटी को वहाँ मोतिहारा के नवोदय स्कूल में नचवाया जाए तो अख्तरुलमान, उर्दू का मसला हो तो अख्तरुलमान, मदरसे का मसला हो तो अख्तरुलमान, और उस अख्तरुलमान के बारे में ये शक कि जीत कर जाएगा तो किसके साथ जाएगा? आप नहीं देख रहे हो मेरे काइब को कि पूरे हिंदुस्तान में मोदी के आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत अल्लाह ने किस कर रही है। लोग कहते हैं, कह रहे हैं अवैसी साहब बोलते हैं तो कहां उसका मोदी कुछ करता है? अरे बातिल में ताकत नहीं होती। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख पढ़ो, ये तारीख किस लिए है? बोला एक खुदा, नमरूद ने नहीं माना, आग में डाला तो आग को अल्लाह ने सलामती बना दी। हक की ताईद अल्लाह की तरफ से होती है और अवैसी साहब सच्चाई के साथ सियासत करते हैं, बातिल को हिम्मत नहीं होती है। अगर अख्तरुलमान जीत कर जाएगा तो आपको यकीन दिलाता है कि बीजेपी के खिलाफ जो हुकूमत बनेगी उसका साथ देगा और भगवा मजदूर के तौर पर नहीं बल्कि सीमांचल की तब्दील और तस्वीर का फैसला लेना चाहिए। ये बात गांव के लोगों को समझ कम आती है हमारी, लेकिन मेरे भाइयों, आज हम प्रदेश के नौजवानों को सलाम करना चाहते हैं। बहुत सारी पेशानियां जिनको हम पहचानते हैं, दिल्ली गए, बम्बई गए, गए पिछले दिनों में भी लुधियाना गए थे, अमृतसर गए थे, परदेशी नौजवानों ने वहां क्या कहा कि आपको एमपी का इलेक्शन लड़ना है, हम लोग बहन की शादी में नहीं गए हैं, बाप की मैयत में नहीं गए हैं, लेकिन आपके इलेक्शन में जरूर जाएंगे। ये नौजवान क्यों आए?
ये नौजवान पतंग ऐसा कौन सा हुस्न है, इन नौजवानों के दिलों में एतमाद जगा है। इसने दिल्ली को देखा, बम्बई को देखा, पंजाब को देखा, अपने यहाँ की बदहाली देखी, वहाँ की खुशहाली देखी, वहाँ के कुत्तों को हॉस्पिटल में दवा पीते हुए देखा, अपनी माँ को दवा के बगैर मरते हुए देखा। ये नौजवान इंकलाब की पट्टी बांधता है। दीदी कहते हो कि क्या होगा, यकीन जानो मेरे भाइयों, हम लोग एक इंकलाब की तारीख लिखेंगे। पिछले दिनों में खुदरा खुदरा तो मैंने बहुत सुना है, पिछले दिनों में आप लोग कहते थे कि साहब गठबंधन गठबंधन, मैं हारा नहीं था। 2010 में आप सबों ने 34,000 वोट देकर मुझे MLA बनाया था। 2015 में मेरा वोट बढ़ा 38,000 हुआ और मैं हार गया। मैं हारा नहीं था, मेरे इरादे हारे नहीं थे, साजिश हुई थी, गठबंधन गठबंधन। आप कहते थे कि भोज में गोश्त का इंतजाम कैसे होगा, गठबंधन होना चाहिए। अवैसी साहब ने कहा था, और अख्तर ईमान को मुबारकबाद दीजिए, जिसको पहचानने में 40 महीने आपको लगे, अख्तर ईमान ने उसको 15 दिन में पहचान लिया था। अख्तर ईमान ने भी चीख चीख कर कहा था कि मैंने नीतीश कुमार से अलग इसलिए किया कि इसका नाजायज रिश्ता BJP से बरकरार है। और जनाब अवैसी साहब जब आए थे हल्दी घोड़ों के जलसे में भी, सुनता के जलसे में भी आपको कहा था कि नीतीश कुमार मछली पानी के बगैर तो कुछ देर जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश कुमार BJP के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। आपने उसको बात नहीं माना और क्या कहा, नहीं हमारा बहादुर जीतेगा, अख्तर ईमान को हम लोग MP बनाएंगे। ठीक है, हम लोग अख्तर ईमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन अभी गठबंधन को जिताना जरूरी है, इसलिए मोदी को यही मुक्का मारेगा, मोदी का गरबान यही पकड़ेगा, यही रहता था ना। आज बताइए, दिल पर हाथ रखकर, जिस शख्स को आपने जिताया था मोदी को रोकने के लिए, आज वो BJP का झंडा ले लेकर मोदी के लिए वोट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? मेरे भाइयों, इंसाफ आपको करना चाहिए। किसके लिए वोट मांग रहा है? यहाँ अपने वर्कर को लगा दिया है कि खुदा मन बोलूंगा, अगर वोटर बात BJP 30 और बीड़ी कंपनी का नाच में लड़का सब चेहरा बदलकर वो नाचता था, तो उसको नाच को देखने के लिए पैसा नहीं लगता था। बीड़ी कंपनी वाला बीड़ी देते, शौकत भाई भी हम लोग के साथ है, ब्यास लाइफ फ्री में देता था ताकि मेरी बीड़ी पिए। तो नौजवान देखता था, ताली पीता था, उसके बीच में बूढ़ा भी दाखिल था। नौजवान